हेलो गाइस, मेरा नाम बिरेंद्र सिंह। मैं अभी मेजा एनटीपीसी में हूँ, पावर सेक्टर में। 2x660 मेगावाट, ये बीच का जो चिमनी दिख रहा है लंबा वाला, सबसे बड़ा, दो यूनिट के बराबर एक चिमनी है, और दो छोटे छोटे चिमनी जो है सनलिप FGT का है, जो पावर सेक्टर को प्रदूषण को कम करने के लिए बनाया जाता है। इसको जी पावर बना रहा है, और मैं अभी बारी बारी से मैं आपको दिखाऊँगा हर चीज़। और मैं बॉयलर साइड से मैं बात कर रहा हूँ। ये सनली प्लांट है, CHP है, EHP है, FGD है, बॉयलर है, फिर आगे टरबाइन है, ठीक है। और ये मैं टरबाइन के माध्यम से फिर अभी क्रेन को, ये मोबाइल को मूव कर रहा हूँ। मैं अभी आगे कुछ विशेष ऐसा दिखाऊँ, ये इसका रेल ट्रैक है। रेल ट्रैक के माध्यम देखिए, मैं आपको क्रेन दिखा रहा हूँ। ये ट्रेन आ रहा है, ट्रेन ये देखिए, ट्रेन आ रहा है भैया। ये ट्रेन में कोयले आ रहे हैं, कम से कम 40-60, किसी में 30, किसी में 20, किसी में 25, किसी में 21, ये रहते हैं रेल बोगी रहते हैं, माल बोगी, जो इसमें कोयले आ रहे हैं बहुत सारे। ये NTPC में आ रहे हैं कोयला, ये ट्रेन लेके जाएगा, कोयले यार्ड में लेके जाएगा। आप इसको देख सकते हो, ये ट्रेन आ रहा है। और ऊपर जो दिख रहा है ये साइड का, ये है ये ट्रेन। हाँ, ये ट्रेन है, देखिए ट्रेन। हाँ देखिए, इंडियन रेलवे, ये ट्रेन है भैया इंडिया का। देखो ड्राइवर लोग हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, और ये माल बोगी पे मस्त कोयला आ गया है। देखिए ये ट्रेन अभी कोयला लेके आ गया है, और ये अभी जाके खाली होगा, पूरा दिन लग जाएगा खाली होने में। ये देखिए, वाओ वाओ, वेरी नाइस, वाओ। ये कोयला देखो अभी आ रहे हैं, कितनी बोगियां हैं आप इसे गिनती कर सकते हो। अभी ये जाएगा, पूरा दिन में खाली होने का समय लेगा। और अभी अभी लेटेस्ट कोयला लेकर आ रहा है। एक बोगी में कम से कम आपको कोयला का 1,00,000 टन रहता है, 1,00,000 टन एक बोगी में आता है, तो सोचो कितना लाख होगा, ठीक है। ये अभी कोयला लेके जा रहा है, और आगे का ये लास्ट समाप्त बता सकता हूँ। ऊपर का जो दिख रहा है ये कन्वेयर लाइन है, इसी के ऊपर बंकर में कोयला जाएगा भैया, ठीक है। ये बंकर में जाएगा, मिल में जाएगा, मिल के बाद में ये पाउडर बन के, फिर इसको पाउडर बना के स्टीम में जाएगा, फायर करेगा, आग लगाएगा, उसको पानी को हीट करके, टेम्परेचर हीट करके कोयले, ये पानी को, उसमें क्या होगा कि वो हमारा बॉयलर में, ड्रम में जो रहता है वो पानी स्टीम बना करके टरबाइन में छोड़ेगा, इसलिए पानी है। ओ माय गॉड, ये तो पूरा खाली है यार, सीट कहीं कोयला गिर गया होगा। ओके, ये आखिरी समाप्ति है। ये देखिए कोयला कन्वेयर लाइन है, ये कोयले की यार्ड है, आपको मैं बारी बारी से दिखाऊंगा। ओके ओके, यस यस, ओ माय गॉड, वेरी नाइस। ये आपको मैं देख रहे होंगे काफ़ी, मैं केबल ट्रे के बीच से मैं दिखा रहा हूँ। ये कोयला अभी लेके आया है, अभी जाएगा खाली होने के लिए उधर। ये साइड खाली होगा, इस एरिया में देख लीजिए, ठीक है, अभी खाली होगा, काफ़ी देर लगेगा इसको खाली होने में। पावर सेक्टर 660 मेगावाट, लास्ट बोगी है। कितना अच्छा कोयला है, साफ है, फ्रेश है, बहुत दूर दूर से आता है, पोर्ट से आता है, विदेश से भी आता है कोयला। जय हिंद जय भारत, लास्ट हो गया कोयला का बोगी। वाह, इतने कोयला अगर गरीब को मिल जाए तो उसका जीवन सवर जाएगा। सरकार कितना कोयला को इन्वेस्ट करता है, कितना वेस्ट करता है। जय हिंद जय भारत, माल बोगी ख़त्म। ये है अपना TT के लिए एक चैम्बर रहता है, देख लीजिए भैया, हमने आपको वीडियो बना दिया, ये देखिए यही वीडियो है, इसमें आके खाली होगा। मैं इस वीडियो को पॉज करूँगा, लास्ट करूँगा। जय हिंद जय भारत, जय माता दी, आप लोग ठीक रहिए।